पंजाब के यूटी कर्मचारी संघर्ष मोर्चे द्वारा आज अमरजीत शास्त्री, रविंदर लूथरा तथा सुखदेव सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के जद्दी शहर कादियां में रैली तथा बाजारों में रोष प्रदर्शन किया। पंजाब के यूटी कर्मचारी संघर्ष मोर्चे द्वारा आज अमरजीत शास्त्री, रविंदर लूथरा तथा सुखदेव सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के जद्दी शहर कादियां में रैली तथा बाजारों में रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए काजविंदर सिंह बुट्टर, हरजिंदर सिंह वडाला आदि ने कहा कि जनवरी 2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली को रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे तथा ठेके पर रखे कर्मचारियों को पक्का ना करके आशा वर्करों, मिड डे मील वर्करों पर कम से कम मेहनताना लागू किया जाए तथा फैसिलिटेटरों को कम से कम 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए, संघर्ष के दौरान कर्मचारियों तथा मजदूर किसानों पर दर्ज किए गए मामले तथा पुलिस केस तथा अन्य विक्टिमाइजेशनों को रद्द करने की मांग की गई। आजाद टीवी न्यूज के लिए कादियां से सलाम तारी की रिपोर्ट। अज का मुद्दा है जी, पंजाब सरकार वालों जो कच्चे थे कंट्रैक्ट से काम करने वाले साढ़े कामे हैं, जिन्हां विच आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, फॉरेस्ट वर्करस, इस तरह वक् वक् महकमे जोड़े कच्चे काम है, जिन्हों का सरकार पिछले लंबे समय तो बहुत लंबे वादे करते रही है, तो अज तक उन्होंने कोई भी मंग जी लागू नहीं की। इस करके असी पंजाब सरकार दे खास करके कादियां विच तृप्त राजेंद्र बाजवा के हल्के बिल्कुल उन्होंने कोठी का घराओ कर जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार की एक जी भलाई कमेटी बनी सी तिना मैंबर की, जिद फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल, ब्रह्म महिंद्रा जी, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा सन, तो उन्होंने अज असी पंजाब के जोड़े कुछ जिले आज अज इतने कादियों में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ता कि पंजाब सरकार की जी नींद है उस तो जाग सके, ते पंजाब सरकार के मुलाजमान जिन्हों का घट उजरत दे के जिन्हों का शोषण किया जा रहा लंबे समय तो, जिन्हों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, उन्होंने आवाज़ को असी बुलंद कर जा रहे।